मुंबई में लगातार पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और अब जब टिकट्स के भी अनाउंसमेंट हो गए हैं तो और तेजी आ गई है, काफी गर्माहट दिख रही है पॉलिटिकली। और विजय चौगले जो शिवसेना के नवी मुंबई के लीड कर रहे हैं, चीफ है, उनसे जानते हैं कि काफी नाराजगी आज भी दिखाई दी चौगले साहब की जिस तरह से टिकट अलॉटमेंट हुए हैं। देखो, टिकट अलॉटमेंट हो गए वो हर एक पक्ष का बात है, टिकट अलॉटमेंट हो गया होने दो, मगर जो हमें भी हमारा हक के लिए लड़ना चाहिए ना। हम समझो हमारे हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो हमको हमारा दुकान बंद करना पड़ेगा। आज भी हमारे 32 नगर सेवक से हमारे कार्यकर्ता है, जितना बड़ा हमने यहाँ पे फैला हुआ है जन पूरा सैलाब हमारा कार्यकर्ता का फैला हुआ है, तो हमें भी लगता है कि हमारा भी लोक प्रतिनिधि होना चाहिए। हम इसलिए हमने हमारे पक्ष नेता को एकनाथ जी शिंदे साहब को हमने कहा था कि भैया हमको दो में से एक टिकट तो मांग लो। पिछले 5 साल हमारे ऐसे चले गए, अभी टाइम और आयु बोलते हो किसी के लिए तो रुकता नहीं है। और इधर का तो राजकारण आपको मालूम है, चलो सब राजकारण ठीक ढंग से रहता था, लास्ट 5 साल में हमको उन्होंने मदद किया होता, कुछ हमारे नगर सेवकों को फंड दिया होता, तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हमको दिया तो उन्होंने हमको मनस्ताप ही दिया, हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर बातें करो, हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर PL दाखिल करो, हमारे ये करो, फिर ये ऐसे होते फिर हम उनको कौन से इससे मदद करेंगे। तो ये हमारा इस टाइम हमारा ऐसे कि हम लोग को किसी भी हालत में हमको यहाँ पे हमारा लोक प्रतिनिधि चाहिए, ये हमारी धारणा है। आप लोगों का ऑब्जेक्शन था कि एक ही घर में दो टिकट नहीं जाना चाहिए, अब तो अलग अलग पार्टी हो गई। एक ही घर में दो टिकट नहीं जाना चाहिए इसलिए तो उन्होंने अपने पार्टी के खिलाफ बंद किया हुआ है एक, ये तो हिस्ट्री बन जाएगी महाराष्ट्र के अंदर के, भारत के अंदर के, जो जिला प्रमुख जिसको बनाया जिसको वही पार्टी के खिलाफ वो बगावत करके दूसरे पार्टी से टिकट लेता और बाप वहां से वही पार्टी में बैठता है, ये तो बहुत बड़ी एक महाराष्ट्र के अंदर तो हिस्ट्री है पूरे 288 कंसोर्सियम में, ये तो पूरा हिस्ट्री बन गया हुआ है। अब मंदाताई को यहाँ से नॉमिनेट किया गया है, क्या महायुति का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा शिवसेना का? देखो अभी हम तो आयरलैंड में तो काम करने वाला नहीं, हमने तो तय किया जो भी हम काम करेंगे एक तो हम यहाँ पे करेंगे महायुति के माध्यम से, जो हमको हमारा नेता कहेगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। नहीं तो मैं महाराष्ट्र के मैं वडा समाज का नेतृत्व करता हूँ, तो मैं महाराष्ट्र के अंदर जिधर जिधर हमारा वडा समाज है वो महायुति के अंदर उनको मदद करने के लिए मैं खुद महाराष्ट्र के दौरे पे जाऊंगा। आप लगातार कहते आए हैं कि आप इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं। देखो हमने फॉर्म लिया और हमने सब कुछ तो हमारी तैयारी कर रखी हुई है, हमें जो करना है वक्त आने के बाद हम दिखा देंगे। 29 तारीख नाहटा साहब के लिए भी आज काफी डिमांड हो रहा था कि उनको MLA ही बनाना चाहिए और आज वो वापस पार्टी में दिखाए मंच पे। देखो हमारा पार्टी है, हमारे एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी है, हमारे कुछ रूल एंड रेगुलेशन भी है उसके लिए तय करना। हमारा नाहटा साहब के बारे में 2-5 दिन से कुछ अलग अलग बातें हो रही थी, इसलिए हमने हमारे सब तो कार्यकर्ता को इकट्ठा किया और नाहटा साहब भी हमारे साथ है। जो हमारा टीम वर्क है, हमारा जो टीम स्पिरिट है, वो हमेशा के लिए एक साथ रहना चाहिए, एक साथ रह के हम हमारे काम होना चाहिए, इसलिए हमने सब लोगों को बुलाया था। आज बुला के हमने हमारे फिर से ताकत दिखा दी, क्योंकि नई मुंबई के अंदर कैसे है कि अफवाह बहुत फैलाने की इनकी नेगेटिव करने की इनकी आदत पड़ी हुई है, नाहटा साहब ऐसा चौगले ऐसा ही थे, इसलिए तो हमारे कार्यकर्ता को हमसे लंबा दूर करने का इनके कोशिशें चालू थे, इसलिए हम लोग इधर इकट्ठा करके हम लोग ने फिर से हमारी ताकत दोगाने की कोशिश। क्या नाहटा साहब शिवसेना में है अब? कौन बोला नाहटा साहब शिवसेना छोड़ के गए थे, यही तो पहला प्रश्न है। ये तो नैरेटिव उनका चालू हुआ ही है कि हमने टिकट काटा, हमने ये किया, खुद ये लोग दूसरे बातें पे जाके लोगों को तकलीफ कर अच्छे को बुरा साबित करना उनकी आदत है और वो कर रहे हैं। CM साहब से आप लोग मीटिंग करने वाले हैं, आप लोगों का क्या कहना होगा उनको? उधर हम तो हमारा कहना यही है कि हमको इधर से दो सीट में से एक सीट तो हमको मिलना ही चाहिए, वो किधर भी मिले, मायरोली मिले या बेलापुर मिले, हमको मिलना चाहिए और हमारे को यहाँ पे हमारे शिवसेना का प्रतिनिधित्व हमको होना चाहिए। CM साहब का बार बार कहना है कि पेशेंस दिखाइए, क्या पेशेंस रहेगा?
देखो 5 साल में हमने पेशेंस दिखाए ना, हमने पेशेंस क्यों नहीं दिखाए, पेशेंस दिखाने के बाद भी हमको जो तकलीफ हुई है वो तकलीफ है, हमें बहुत गहरी तकलीफ हुई है, हमारे दिल पे जो घाव गिरा है ना वैसा हमारे दिल पे घाव गिरे हुए हैं, तो उसके लिए हम भूल नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बहुत साफ है कि नाराजगी अभी भी बहुत बनी हुई है, सीएम साहब से मीटिंग करके ये डिसाइड होगा कि शिवसेना के आगे क्या कदम होगा। राहुल कदम के साथ मोहित जेडी आवाज उठे।